नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी ने अभी कुछ समय पहले मीडिया वाइट में ग्रुप सी और ग्रुप डी के 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया। विश्लेषक कहते हैं भैया, ऐसा करने से भर्तियों की संख्या जो पंजाब सरकार जारी करेगी उसमें काफ़ी कमी हो जाएगी। हालांकि हम देख रहे हैं कि उन्होंने 25,000 नियमित भर्तियों का भी 2 दिन पहले आदेश जारी किया है, 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया। तो हरियाणा में इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा? हरियाणा में जो ठेकेदार प्रथा, आउटसोर्सिंग प्रथा या सरकार के जो पैरामीटर से डीसी रेट पे लगे हुए थे, हरियाणा सरकार उनकी कौशल रोजगार निगम में उनको मर्ज कर रही है। कौशल रोजगार निगम में निगम रेट जो है उनके ऊपर किया जाएगा, जिसको 3 कैटेगरी में 1, 2, 3 के शहरों में डिवाइड किया है। और वैकेंसीज है जो भर्ती है उनको ग्रुप ए बी सी डी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो उनके अनुसार उनके वेतनमान अलग अलग हैं। तो कौशल रोजगार निगम में जो एम्प्लॉय लगे हैं क्या वो पक्के माने जाएंगे? तो इसको लेके अभी संशय की स्थिति है, क्योंकि सरकार ने अभी इसको लेके क्लियर नहीं किया। हालांकि सालाना वेतन वृद्धि इसके अंदर शामिल की गई है, तो सालाना वेतन वृद्धि से कुछ तो राहत मिलेगी सरकार के साथ नियमित होने में, लेकिन इसका हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारा मानना है कि हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने पे सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि जब पड़ोसी राज्य इस तरह की कोई पॉलिसी जारी करता है जो कि कल्चरल रूप से हमारे हरियाणा से काफ़ी मिलता जुलता स्टेट है, तो यहाँ की सरकार पे भी दबाव बढ़ता है कि वो कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा दे। हालांकि मीडिया सूत्रों से कल पता चला कि मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए स्पष्ट इनकार कर दिया है और उसकी जगह नई पेंशन स्कीम को ही जारी रखने का कहा है। तो सरकार के अलग अलग इसके ऊपर अपने विचार होते हैं, सरकार देखेगी जो उनको राज्य के हित में लग रहा है वो सरकार वहाँ फैसले ले रही है। लेकिन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना हरियाणा में अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला होगा, अगर हरियाणा सरकार भी इस तरह के कदम उठाती है तो आने वाले समय में कच्चे कर्मचारियों के लिए कोई भी खुशी की खबर आने की संभावना है। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।